हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फूडीबिटी चैनल में। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो सूजी फिंगर्स। इन्हें पोटैटो रवा फिंगर्स भी कहते हैं। ये बहुत ही आसानी से और कम टाइम में बन जाते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। साथ ही साथ पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल में आधा कप रवा लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल और आधा कप गरम पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमने गरम पानी इसलिए डाला है जिससे सूजी जल्दी से फूलकर तैयार हो जाए। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। चलिए तब तक हम आलू कद्दूकस कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ उबले हुए 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं। प्रेफर करें कि आप छोटे वाले कद्दूकस से ग्रेट करें, इससे इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं रहती हैं। आलू मैंने कद्दूकस कर लिया है। 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम सूजी को खोलकर देख लेते हैं। सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है। अब इसमें जाएगा कद्दूकस किया हुआ आलू, आधा टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून बारीक कटी हरी धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मसाले सही से मिलाने के लिए आपको इसे थोड़े टाइम तक मिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हथेली पर थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा पोर्शन लेके उसे फिंगर्स की तरह लंबा आकार देंगे। अब इसे हम मैदा में कोट कर लेंगे। और निकालकर प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम सारी फिंगर्स तैयार कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी टिप। मार्केट में आलू कई प्रकार के मिलते हैं। अगर आपके आलू कद्दूकस करने के बाद कुछ ज्यादा ही चिपचिपे हो जाएं और आपको फिंगर्स बनाने में परेशानी हो रही हो, तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या फिर सूजी ऐड करके अच्छे से मिला दें। इससे आपका मिक्सचर ठीक हो जाएगा और आपको फिंगर्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह की टिप्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, इससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, मैंने सारी फिंगर्स ऐसे ही तैयार कर ली हैं। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है।
तेल हमें मीडियम आंच पर गरम करना है। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इन्हें तेल में डालकर फ्राई करेंगे। धीरे धीरे ये गोल्डन कलर में चेंज होने लगी हैं। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर लगी प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे इनका एक्सेस ऑयल टिश्यू पेपर में रह जाएगा। इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, पोटैटो सूजी फिंगर्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। दोस्तों, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे।